अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। सभी सजीवों में कुछ प्रक्रियाएं जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि होती हैं, जो उनके जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। इन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। आपको क्या लगता है, क्या सभी सजीव एक ही स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? हमने खाद्य जालों में भी अध्ययन किया है कि पूरे जीव जगत के लिए पौधे ही मुख्य रूप से भोजन के स्रोत हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण कार्बनिक पदार्थों के निर्माण से होता है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। समस्त जीव जगत में उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की जैविक प्रक्रियाओं में समानताओं के साथ साथ कुछ बुनियादी अंतर हैं, जैसे कि पोषण की प्रक्रिया में। अधिकांश पौधों उत्पादकों में पोषण का पहला चरण कुछ सामान्य पदार्थों से शुरू होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी आदि। इसके विपरीत अधिकांश जंतुओं उपभोक्ताओं का पोषण जटिल पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि से शुरू होता है। पौधों और जंतुओं में पोषण और उससे संबंधित अन्य जैविक क्रियाओं के लिए विशेष अंग तंत्रों की व्यवस्था है। 7.1 अंग तंत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। 9वीं कक्षा में हमने कोशिकाओं के सतही क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात का अध्ययन किया था। हमने यह पाया कि कोशिका जितनी बड़ी होती है, उसका सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात उतना ही कम हो जाता है एवं उसके अंदर की क्रियाओं की गति उतनी ही धीमी पड़ जाती है। इस ग्राफ को देखकर बताइए कि किसी एक कोशिकीय जीव की लंबाई बढ़ जाए तो क्या होगा। उपरोक्त ग्राफ का अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि यदि एक कोशिकीय जीव का आकार बढ़ जाता है तो उसका सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात घटता जाता है। ऐसी स्थिति में उनको जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। ऐसी ही परिस्थिति बहुकोशिकीय जीवों में होती है। जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता जाता है, किसी विशेष व्यवस्था के बगैर उनकी सभी कोशिकाओं तक संसाधन नहीं पहुंच पाते। गौर करने की बात यह भी है कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर की सभी कोशिकाएं बाह्य वातावरण के सीधे संपर्क में भी नहीं रहती हैं। इन्हें पर्याप्त संसाधन मिल सके और उनका उपयोग हो सके, जिससे ये कुशलतापूर्वक तेजी से कार्य कर सकें, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे शारीरिक संरचनाओं के सतह के परत दर परत मुड़ने या वलयित होने से अवशोषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का बढ़ना, एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता जिसके माध्यम से किसी तरल पदार्थ के जरिए कई अन्य पदार्थों का शरीर में तेजी से आवागमन, आवश्यकता अनुसार शरीर में घर्षण कम करने के लिए लसलसे पदार्थ जैसे श्लेष्मा का स्राव, नमीयुक्त सतह का होना आदि, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना। जैव विकास के फलस्वरूप हमें ऐसी व्यवस्थाएं कई जीवों के शरीर की संरचना में नज़र आती है। उदाहरण के लिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण, परिवहन आदि से संबंधित तंत्रों तथा हमारे शरीर के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में नज़र आते हैं। मनुष्य व पौधों के उदाहरण से हम बहुकोशिकीय जीवों में भोजन संबंधी उन तमाम जैविक प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो ऐसे तंत्रों की मदद से भोजन के अंतर्ग्रहण से शुरू होकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन से जुड़ी है।